वो उस फोटोज का हमारी गाड़ियों का मिस यूज करके कस्टमर से पैसा हट रहा है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हेलो गाइस, दिस इज राहुल जैन फ्रॉम जैन मोटर जीप। सो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो भाई, आज का वीडियो थोड़ा सीरियस होने वाला है, इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। जिसने भी गाड़ी लेना है ना, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। वीडियो बीच में बिल्कुल मत छोड़ें। और जो नए फ्रेंड जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन में आल का ऑप्शन दबा दें। और भाई, जो इस फेसबुक इंस्टाग्राम पे हैं, वहाँ पे भी फॉलो कर लें, वहाँ पे लाइव स्ट्रीम रील्स वगैरह आते ही रहते हैं। बाकी भाई, थोड़ा सा फीवर हो रखा है, गले की बैंड बजी हुई है, तो थोड़ी सी आवाज़ आपको उतनी क्लियर नहीं मिलेगी, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी था, आपको अवेयर करना भी ज़रूरी था, तो वो बातें करेंगे बाद में। इससे पहले आपको थोड़ा सा गाड़ी के बारे में बता दें। सबसे पहले गाड़ी का ऑनरशिप डिटेल। दोस्तों, ये गाड़ी हमने बना के दिया है मिस्टर अंकुश बरोट जी, जो कि है ठाणे महाराष्ट्र से। तो इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन के साथ ही हमने गाड़ी इनको बना के दिया है, यानी कि एनओसी के साथ भी हम गाड़ी दे देते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर जो होते हैं, वो अपनी स्टेट के नंबर के साथ ही गाड़ी बनवाते हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया और महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया से जो हमें ऑर्डर करते हैं, लगभग अपनी स्टेट के नंबर के साथ ही गाड़ियाँ बनवाते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर होते हैं जो एनओसी के साथ लेते हैं, तो मैं आपको इसका पूरा डिटेल दूंगा। अगर आप एनओसी के साथ बनवाना चाहते हो तो कितने का पड़ेगा और क्या क्या फीचर्स आपको लगा के देंगे। तो अंकुश जी ने जो अपनी चॉइस थी वो हमें बता दी थी, ब्लैक बीस्ट उन्होंने रेडी करवाया है मोस्टर टायर के साथ। तो मैं उनको बोला था कि सर, आप मोस्टर टायर मत लगवाओ, लेकिन बोले नहीं सर, मेरे को मोस्टर टायर की प्रेफरेंस सबसे पहले है, क्योंकि मेरे को लुक वाइज ही गाड़ी चाहिए। तो उन्होंने जो गाड़ी है वो मोस्टर टायर के अंदर बनवाया है, हल्की फुल्की चेंजेस करवा दी है बेस मॉडल के अंदर। अगर आप एनओसी के साथ ये गाड़ी लेते हो ना, तो आपको ये गाड़ी लगभग 4,85,000 के करीब पड़ेगा, इस टाइप का मॉडिफिकेशन, ग्लैडिएटर ग्रिल के साथ, इस टाइप के मॉडिफिकेशन के साथ। जैसे फीचर्स होते हैं ना, सस्पेंशन सिस्टम हो गया या फिर साउंड सिस्टम हो गया, एसी हो गया, तो उनका चार्ज थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ जाता है, तो वो चीज़ आपको सारा बताएंगे। तो थोड़ी सी गाड़ी के बारे में बात करके फिर अपन टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो गाड़ी है, इसके कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया, सिंपल सोबर ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ गाड़ी रेडी किया है। तो मोस्टर टायर के अंदर वाइट कलर के रिंग लगा दिए गए हैं। और इंटीरियर की बात करें तो दोस्तों, इंटीरियर के अंदर ब्लैक सीट्स लगा दी गई हैं और जो मैटिंग है, जो कंसोल है, उसको पूरा चेक सिस्टम में दिया गया है, तो अच्छा लुक आ रहा है स्कूल नोव के साथ। और पीछे भी आप देख रहे हो, ब्लैक फेंडर है, कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी एक्सेसरीज वगैरह ज़्यादा नहीं लगवाई इन्होंने। पीछे आप देख रहे हो, पीछे LED टेल लैंप लगा दिया गया है और अलॉय व्हील इसके अंदर लगा दिया है, ये एक डमी अलॉय व्हील है, इसको उतारेंगे क्योंकि इसका चार्ज एक्स्ट्रा पड़ता है। अगर किसी फ्रेंड को चाहिए मोस्टर टायर के अंदर एक अलॉय व्हील एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता है, नहीं तो जो आते हैं ना अपने मिनी मोस्टर हो गया, या फिर गुड राइड के टायर आते हैं, ऑन रोड टायर आते हैं, तो उनके साथ अलॉय व्हील के साथ जो भी आते हैं, उनके साथ फिफ्थ अलॉय व्हील हम कंपलसरी देते हैं, मोस्टर टायर के साथ अलॉय व्हील नहीं आता। तो ये जो फीचर्स है, इसके अकॉर्डिंग गाड़ी रेडी कर दी है, आपको बता दिया। अगर इस लुक में आपको गाड़ी चाहिए तो 4,85,000 रुपये, 4,90,000 रुपये आपका बजट चाहिए, विद एनओसी आपको गाड़ी बना के देंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो काफ़ी तरह के आते हैं, तो वैसा गाड़ी आपके लिए बन जाएगा जैसा आपका बजट होगा। तो ये चीज़ हो गई। अभी अब बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे की, मेन टॉपिक क्या है। तो अभी भाई, आपको पता है इंस्टाग्राम फेसबुक इतना फैल गया है, लोग क्या करने लग गए हैं, जहाँ से फ़ोटो उठाया अपने चैनल पे डाला, जहाँ से रील उठाया अपने चैनल पे डाला। और लोग भी, आप जैसे लोग यार, पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, देखते हैं, हाँ भाई काफ़ी इंप्रेसिव गाड़ी है यार, बहुत अच्छा है, तो मैं भी ऑर्डर कर देता हूँ। तो उससे क्या है, लोगों को मौका मिल गया, जो फ्रॉड्स हैं कुछ लोग, उनको मौका मिल गया। आपने गाड़ी देखा और सीधा ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद फिर भाई गाड़ी मिला नहीं मिला ये चीज़ भी पता नहीं। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको अवेयर करना चाहूँगा कि आप अच्छी तरह बैकग्राउंड चेक करें, कौन बंदा है, कैसा बंदा है, कैसा काम कर रहा है। अगर आपको उसी को ऑर्डर करना है, उसको ऑनलाइन ना ऑर्डर करें, आप ऑफलाइन उसके पास जाएं, देखें उसका वर्क कैसा है, क्या चीज़ है, फिर उसके बाद ऑर्डर करें। अगर आपको ट्रस्ट हो गया, हाँ भी बंदा सही है, तो ही आप ऑर्डर करें। जैसे हमने एक ये ब्लैक बीस्ट रेडी किया था सनी चंदानी जी के लिए, तो भाई आपका प्यार और सपोर्ट इतना मिला, बहुत लोगों ने उस गाड़ी को पसंद किया। तो भाई वो लोगों ने क्या किया, उठा उठा के, कुछ तो नौ सीखिए लोग हैं जो, तो उन्होंने उठाया,
अपने प्रोफाइल पे डाला और भाई लोगों ने पसंद किया। पसंद करने के बाद हमें नहीं पता ऑर्डर डाला या नहीं डाला, लेकिन इतना फोटोज़ वो डाला तो मेरे पास सनी जी का फ़ोन आ गया कि राहुल भाई हमारी गाड़ी का फ़ोटो जगह जगह भटक रहा है यार, कितने लोगों ने डाल रखी है, आपने फ़ोटो हर किसी को दे दी। मैंने कहा भाई नहीं, हमने किसी को नहीं दी, बट लोगों ने कॉपी पेस्ट कर करके डाल के अपने चैनल पर डाल दिया। तो ये चीज़ है भाई, आप अच्छी तरह से अवेयर रहें। बहुत सारे फ्रॉड लोगों ने वो फ़ोटोज़ डाल रखी है, बहुत सारे नौसिखियों ने वो फ़ोटोज़ डाल रखी है। तो भाई मैं भी कहना चाहूँगा, जो लोगों ने मेरी फ़ोटोज़ डाली है, हमारी रेपुटेशन की बात है, हमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा भाई आप मेरे को ही ऑर्डर करो, मेरे को ऑर्डर का कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब ये है, हमारी फ़ोटोज़ आप कोई भी मत डालें। जो किसी की मेरे को लगा बंदा फ्रॉड्स है या कोई बंदा वो उस फोटोज़ का हमारी गाड़ियों का मिसयूज़ करके कस्टमर से पैसा हट रहा है, तो भाई उसके लिए वो चीज़ हानिकारक होगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। बाकी भाई हम किसी का भी फ़ोटोज़ नहीं डालते, जो हमने बनाया हुआ गाड़ी है ना हम वो ही डालते हैं। हमने मेरे पास बहुत सारे फ़ोटोज़ भी आते हैं, लोग भेजते हैं, कस्टमर भेजते हैं कि भाई ऐसा गाड़ी बनाना है, तो हम उनका फ़ोटोज़ भी हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पे नहीं डालते। हमारा कंटेंट सिर्फ वही होगा जो हमने रेडी किया है। मैं आपको इसीलिए अवेयर करता हूँ, बहुत सारे लोग अच्छे लोग भी हैं जो अपनी गाड़ियाँ ही डालते हैं और किसी का कंटेंट नहीं चुराते, किसी की गाड़ियों का फ़ोटोज़ नहीं चुराते। तो आप कहने का मतलब ये, अवेयर हो जाएं भाई, आप अच्छी तरह वेरीफाई कर लें बंदा क्या है कैसा है। अगर आप उससे संतुष्ट हो पूरी तरह, हाँ भाई बंदा बहुत बढ़िया है, ओके है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, नहीं तो भाई उसके पास जाके ऑफलाइन ऑर्डर करो। मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहता हूँ। बाद में मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आते हैं कि राहुल भाई यार ठगी होगी हमारे इस पास, तो यार क्या करें, अभी इस बंदे को ऑर्डर कर दिया। मैं यार किसी का नाम तो नहीं लूँगा, ना मेरे को ज़रूरत है भाई, ठीक है। लोग सब कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत से कर रहे हैं, जो अपने काम से काम कर रहे हैं, मैं उस चीज़ के बारे में नहीं कहूँगा। लेकिन आप पहचान लें उनको, कौन से बंदे सही हैं, कौन बंदे फ्रॉड हैं, कौन कैसे कर रहे हैं, कैसा कंटेंट उनके चैनल पे पड़ा है, कैसा वो देख रहे हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवेयर रहें। तो बस यही बातें आपसे करनी थी। और आपके प्यार और सपोर्ट से भाई बहुत सारी गाड़ियाँ बन रही हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, बहुत सारे नए नए गाड़ियाँ आने वाली हैं इसी चैनल के ऊपर। आज तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो आज वीडियो इतना ही रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी कुछ और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम।